ओके गाइस, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मसला हो गया था एंड के जो मैंने लेक्चर में एक चीज़ कराई थी, गेट अ सिंगल पोस्ट, वो नहीं हो पाई थी यहाँ पे। तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से हम लोग गेट अ सिंगल पोस्ट की राउट बना सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली है क्या कि हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, सही है। हम चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी सिंगल पोस्ट को उठा के ले आए अकॉर्डिंग टू इट्स आईडी, सही है। अच्छा, अब व्हाट वी कैन डू हियर इज के हमने यहाँ पे ऐसे डिस्कस किया कि एक रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है और उसमें हम लोग कुछ डेटा पास करते हैं और फिर हमारे पास जो एपीआई बनी हुई है वो उस डेटा को किसी तरीके से प्रोसेस कर लेगी, मतलब वो ऐड कर देगी उस चीज़ को या वो अपडेट भी कर सकती है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो पोस्ट की आईडी है वो हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी में पास करने, सही है। लेकिन नॉर्मली रिक्वेस्ट बॉडी जो है वो उस चीज़ इस काम के लिए यूज़ होनी ही चाहिए, सही है। वो होनी चाहिए कि आप कोई डेटा अपडेट कर रहे हो या कुछ डेटा नया ऐड कर रहे हो, सही है। इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो हमारा राउट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसके एंड में हम लोग कुछ पास कर दें और वो चीज़ डायनामिक हो, सही है। तो हम लोग कर ये सकते हैं कि अपने राउट के एंड में हम लोग कुछ ऐसा पैरामीटर दे दें जिसके बेसिस पे जो है हम लोग कोई स्पेसिफिक एंटिटी उठा के जाए, सही है। अच्छा, हम लोग इसके लिए एक सेपरेट राउट बनाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ उसका तरीका, ठीक है। सो स्टार्ट ऑफ विद गेट आउट होगी बिकॉज हम लोग एक एंटिटी उठा के ला रहे हैं। ओके, पोस्ट, और यहाँ पे हम वो पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, सही है। अच्छा, अब हम लोग जो ये पैरामीटर होगा इज ऑब्वियसली डायनामिक, बट हम लोग को चाहिए कि किसी वेरिएबल में कैप्चर हो जाए, सही है। तो मैं यहाँ पे जो भी आगे लिखूंगा ना उसमें जो है वो उस वेरिएबल में वो पैरामीटर कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पोस्ट आईडी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस राउट पे कुछ काम हो, इसलिए मैं पूछ बोलता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये जो पोस्ट आईडी है ये उठ के आ जाए, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, var id rec dot params, params में जो है हमारे पास इस चीज का params dot post id, मैं rec dot params post id लिखा, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो भी आगे स्लैश पोस्ट के एडेड होगी। मेक श्योर आप एक कॉलन जरूर लगाएं वरना ये काम नहीं करेगा। इफ आई एड आईडी हियर टू मेक श्योर कि फिर मैं यहाँ पे भी आईडी ही ऐड करूँ, फॉर नाउ जस्ट लीव इट एज पोस्ट आईडी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने वो एरे में जाएं और वो पोस्ट उठा के लाएं, सही है। तो उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें एक पोस्ट है। अब मुझे करना ये है कि मुझे अपने पूरे इस जेसन के एरे को आइट्रेट करना है, सही है। हर आइटम जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो करे और हर आइटम एक जेसन ऑब्जेक्ट है, सही है। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये जेसन ऑब्जेक्ट होता है कोई स्पेसिफिक, हम उसके साथ डॉट लगा के अगर मैं इसको एक वेरिएबल में डालूं, सही है। अब है मैं दैट वेरिएबल नेम लेट इट बी कॉल्ड पोस्ट, सही है। अब मैं पोस्ट डॉट आईडी करूंगा तो मेरे पास उसकी आईडी उठ के आ जाएगी, राइट। मैं पोस्ट डॉट टाइटल करूंगा मेरे पास उसका टाइटल उठ के आ जाएगा, सही है। तो हम लोग यहाँ पे यही करेंगे कि पहले तो मैं फॉर लूप लगाया था, सही। अब मुझे देखना है कि मुझे जो मैं इसके थ्रू आइट्रेट कर रहा हूँ क्या मुझे वो आईडी मिलेगी। तो अब हम इसके अंदर आइट्रेट कर रहे हैं तो उस पोस्ट को हमें उठा के लाना है, सही है। दिस इज अ सिंगल पोस्ट इन एनी आइट्रेशन, और इस पोस्ट की आईडी क्या वो बराबर है, चाहिए डबल एक इक्वल्स दो इक्वल्स डबल इक्वल्स, क्या वो बराबर है मेरी आईडी के, आईडी इज दिस विच इन टर्न इज दिस राइट हियर, ठीक है। अगर किसी पोस्ट की आईडी मैच करिए मेरे राउट के पैरामीटर की आईडी से
हमने पोस्ट के अंदर उस वाली पोस्ट को उठा लिया। अच्छा, अब अगर ये पूरा लूप चल गया और ये कंडीशन हिट नहीं हुआ, मतलब किसी भी पोस्ट की ऐसी आईडी है ही नहीं जो मैंने यहाँ स्पेसिफाई करी है, तो उसका मतलब है ऐसी कोई पोस्ट एग्जिस्ट करती नहीं है, राइट? सो द HTTP स्टेटस कोड फॉर नॉट फाउंड इज 404। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग API से ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न कर दें कि यार ऐसी कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सही है, हमें हमारी जो API होती है हमेशा उसको रिस्पॉन्ड करना होता है एग्जैक्टली कि क्या ऑपरेशन कोई हुआ है, कोई ऑपरेशन फेल हो गया। इस केस में हमें पोस्ट नहीं मिली तो हम लोगों को उसके करस्पॉन्डिंग एक मैसेज देना होगा। तो अब अगर पोस्ट नहीं मिली तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज एक्सक्लेमेशन मार्क पोस्ट। इफ नॉट पोस्ट, मतलब पोस्ट नहीं मिली, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। मेक श्योर आप रिटर्न कराएं यहाँ से। यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न कर देंगे। सही, अब अगर हमें पोस्ट मिल गई है तो फिर ये कंडीशन कभी हिट हो गई नहीं। उस केस में हम लोग जो है जो पोस्ट हमें मिल गई है उसको रिटर्न कर देंगे। तो इन दैट केस अच्छा, 200 का मतलब होता है सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। 200 इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। वंस अगेन यू कैन लुक एट दी HTTP स्टेटस कोड ओवर हियर और हम यहाँ पे पोस्ट रिटर्न कर देंगे। सही, सो नाउ सिंस आई एम यूजिंग नोड मोड, तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ ये मेरे पास एंड पॉइंट है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी आईडी डालता हूँ किसी पोस्ट की जो कि एग्जिस्ट करती है, लेट्स से 10। कंफ्यूज्ड मसला है इसमें, लेट मी चेक। हाँ सही, सही। तो यहाँ पे हम लोगों को वो पोस्ट मिल गई, इसकी आईडी 10 है जो मैंने यहाँ पे 10 स्पेसिफाई किया था। अब एक और हम पोस्ट को नोटिफाई करते हैं यहाँ से। अच्छा, सही है, हम लोगों को मिल गई पोस्ट। अब हम लोग किसी नॉन एग्जिस्टिंग पोस्ट को ट्राई करते हैं, लेट्स से 100। उसको पोस्ट नहीं मिली, उसने बता दिया नॉट फाउंड। सही, सो दैट्स हाउ यू कैन गेट अ सिंगल पोस्ट। अच्छा, हम लोग को ये करना है कि हम लोग को किसी पोस्ट को अपडेट करना है, राइट? वी हैव टू गो टू अ स्पेसिफिक पोस्ट और मैं चाह रहा हूँ उसका मैं कंटेंट अपडेट करा दूँ। ठीक है, सो हाउ कैन वी डू दैट? उसके अंदर इतना पार्ट तो डुप्लीकेट होगा, सही है? उसके साथ साथ हम लोग इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो होगी, उसकी रिक्वेस्ट की जो बॉडी होगी उसको भी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे टू गेट द न्यू डेटा। सही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट? अच्छा, ये है अपडेट की राउट। अपडेट जो है किसी भी पोस्ट की पोस्ट आईडी पे होगा। हमने उसके लिए गिवन सेम ही है, बट दिस टाइम वी आर गोना रिटर्न द पोस्ट। यहाँ तक सब सही है। गो टू योर पोस्ट्स मेथड और आप यहाँ से इसी से कॉपी कर लें। कितना हिस्सा न्यू पोस्ट तो फर्क है, बराबर आईडी को यहाँ से आप हटा दें बिकॉज आईडी की जरूरत नहीं है। आईडी इज ऑलरेडी गोइंग टू बी द एग्जिस्टिंग
आईडी दैट इज, तो इसको हम लोग कर सकते हैं एज पोस्ट डॉट आई डी, बिकॉज वो पोस्ट जो हमें मिली है वो यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होगी, राइट। सो आईडी होगी पोस्ट डॉट आई डी, टाइटल हम लोग रिक्वेस्ट की बॉडी से लेंगे, बाकी जितना कुछ भी हम लोग रिक्वेस्ट की बॉडी से लेंगे, सही है। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो उसका मतलब है कि रिक्वेस्ट डेटा आपने इनकम्प्लीट भेजा है, उसके लिए हम लोग एक एरर रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब हम लोगों को जो है वो डेटा चेंज करना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम लोग उस इंडेक्स पे जाके डेटा को अपडेट करना है। सो फॉर दिस आई थिंक हाँ सही, व्हाट वी कैन डू इज कि जो कुछ भी आपने इतना लिखा है, कट ऑल ऑफ दिस गो हियर इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों को बताया कि भाई डेटा डॉट आई पे वो पोस्ट पड़ी हुई है जो हम लोगों को भी मिली है, राइट। उसके ऊपर हम लोग ये डाल दें न्यू पोस्ट, तो आपके पास भी पोस्ट जो है उसमें जो भी डेटा मौजूद होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल मेथड फॉर अपडेटिंग अ पोस्ट, और हम लोगों को कुछ ना कुछ आउटपुट करना होगा मैसेज। ठीक है, सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज माय टर्मिनल, दिस इज द इंटायर मेथड दैट दिस इज द इंटायर मेथड, सही सही। लेट्स टेस्ट इट आउट। अच्छा, इसके लिए पहले मैं एक नई पोस्ट क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। न्यू पोस्ट सक्सेस, आई विल गेट ऑल ऑफ द पोस्ट, तो बिल्कुल नीचे आए के ऐड हुई होगी मेरी पोस्ट, इट हैज एन आईडी ऑफ 21। तो नाउ जस्ट डुप्लीकेट दिस मेथड, यहाँ लिखें लोकल होस्ट 3000 पोस्ट, और यहाँ पे जब पोस्ट की आईडी थी दैट वाज 21, राइट। सही, रिपोर्ट क्राउड रिमेंबर 21। अच्छा, आप खोलेंगे तो ये सेट दिस टू रॉ एंड जेसन, एंड अब सेंड इट सेज अपडेटेड, सी क्या ये वाकई में अपडेट हुई है। ये बिल्कुल अपडेट हो गई है, ओके। हम लोगों ने क्रिएट पोस्ट देख लिया, गेट ऑल पोस्ट देख लिया, गेट अ सिंगल पोस्ट देख लिया, अपडेट अ पोस्ट देख लिया। अब आपका असाइनमेंट है डिलीट अ पोस्ट का। अच्छा, अब असाइनमेंट को अटेम्प्ट किस तरह से करना है मैं आपको उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट मी ओके, सो मैंने आपसे जो है इस रिपोजिटरी का लिंक शेयर किया था, राइट। दिस इज द बेस रिपोजिटरी, इसमें बस थोड़े से माइनर से डिफरेंसेस होंगे कोड वगैरह में। इसके अंदर मैंने नोटबॉर्न यूजिंग किया हुआ, तो फिर आपको जो है सर्वर को बार बार से रिस्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू मेक एनी चेंजेस टू द कोड।
सो आप अपने ये नोटबुक इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इसमें जो प्राइमरली चेक हो रहा होगा दैट इज कि आप डिलीट राउट बना सकें। ठीक है, अच्छा आप लोगों को करना क्या है, टू गो हेयर एंड टू डू दिस डाउनलोड zip, दैट्स डन। अच्छा इसको आप कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर लें ऑन योर, ओके मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करा लिया, नाउ गो टू दैट फोल्डर, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ दिखाना था आपको, जब भी हम लोग कोई चीज कोड शेयर करे होते ना नोड जेएस का, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे आप देख लोगे जो हम लोगों ने काम किया था, एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना हुआ होता है राइट। ये जो भी हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं ना वो इस फोल्डर में होते हैं राइट। सो जब हम लोग कोड शेयर कर रहे होते हैं से, तो हम लोग ये फोल्डर इंक्लूड नहीं करवाते, सही है। होता क्या है कि जब भी हम लोग लिखते हैं आपके पास, लेट मी जस्ट स्टॉप माय सर्वर, जब भी हम लोग npm init लिखते हैं ना और हमसे कुछ चीज़ें पूछता है आगे कि भाई नाम क्या है प्रोजेक्ट का, ऑथर का नाम क्या है, तो उसको हमारे पास ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाती है। npm init से हमारे पास एक प्रोजेक्ट इनिशलाइज होता है और फिर ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाती है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो भी आपने एंटर करी होगी ना वो सब यहाँ होती है इन दिस पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। और फिर आप जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी ऑलरेडी विद देयर वर्जन, सही। और यहाँ पे आकर आप जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंट्री बन जाती है। तो अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि कौन सी डिपेंडेंसीज को चाहिए, तो हम लोग को ये वाला नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर उठा के जरूरत नहीं है सेंड करने की, बिकॉज ये काफी, अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो दिस इज अ ह्यूज फोल्डर, सही है। इट कैन गो टू हंड्रेड्स ऑफ MBs, तो वो बड़ा मसला हो जाता है कि भाई आपका कोई अगर दूसरे किसी और काम करना है प्रोजेक्ट पे तो वो किस तरह से करें राइट। सो जो मैंने रिपोजिटरी शेयर करी है उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है राइट। अब करना क्या होगा यहाँ पे, व्हेन यू ओपन दिस इन विजुअल स्टूडियो कोड, अच्छा ये मेरे पास था रिपोजिटरी का फोल्डर, इसको मैंने ओपन विद कोड किया राइट। अच्छा नाउ ओपन न्यू टर्मिनल, और आप यहाँ पे लिखें npm install, एंड व्हाट इज गोना डू इज कि जो भी पैकेट और जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज पड़ी हुई थी राइट, इट्स गोना इंस्टॉल ऑल ऑफ देम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे नोड बॉन्ड भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। ओके सो नोड वन इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, एक छोटी सी इसमें मिस्टेक है। ओके सो व्हेन यू इंस्टॉल नोड वन मेक श्योर टू इंस्टॉल इन दिस वे -d करके, ऑलराइट सो नोड वन इज डन। अब आपको करना ये होगा यहाँ पे क्रिएट स्क्रिप्ट, सही है। उस स्क्रिप्ट का नाम आप दे दें डेव, सही है। एंड वॉट द स्क्रिप्ट विल डू नोडमोन, एंड जो भी आपकी फाइल का नाम है यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस इन माई केस, सही। एंड नाउ मैं ये लिखूंगा, मैं नोड इंडेक्स ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे npm रन और फिर उस स्क्रिप्ट का नाम, यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट सो आपको बस करना ये है कि पेरेंट को उसकी लॉट बनानी है, दैट इज योर असाइनमेंट।